हेलो गाइस, मैं हूँ आशीष। इस धरती पर एक से बढ़कर एक रहस्यमयी चीज़ें हैं जो कि हमें ये सोचने के लिए मजबूर करता है कि प्रकृति कितना रहस्यमयी है, जिसने इतनी रहस्यमयी चीज़ों का गठन किया है जो कि आज तक हम इंसानी सभ्यता के लिए किसी अजूबा से कम नहीं। आज हम ऐसे ही कुछ रहस्यमयी चीज़ों के बारे में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। रहस्यमयी समुद्री जीव प्यूरा सिलिसिस। पत्थर अगर ज़मीन पर गिर जाए तो उसके दो टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन अगर उस टूटे हुए पत्थर से खून बहने लगे तो आपकी हालत डर के मारे खराब हो जाएगी, जो कि सही भी है। ये पत्थर जैसे दिखने वाले पत्थर नहीं बल्कि एक समुद्री जीव है जो दिखने में बिल्कुल किसी पत्थर की तरह ही दिखाई देता है। ये जीव चिली और पेरू के समंदर तलों में बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। इस जीव के मांस काफ़ी स्वादिष्ट होता है, इसी वजह से बाज़ार में इस जीव का मांस की कीमत काफ़ी ज़्यादा है। बर्फ़ की गोले स्नो रोलर। वैसे तो बर्फीले जगह पर बर्फ़ गिरना एक आम बात होती है, मगर बर्फ़ के रोलर बन जाना प्रकृति के रहस्यमयी घटनाओं में से एक है। स्नो रोलर बर्फ़ के पतले परत से बनता है जिसके लिए हवा, नमी और तापमान सही होना चाहिए। यह स्नो रोलर कोलोराडो, पोलैंड, पेंसिल्वेनिया, ओहायो और जर्मनी में देखने को मिलता है। खूनी बारिश केरला। आप सभी को पता तो होगा कि बारिश का रंग क्या होता है, मगर दुनिया भर में एक ऐसी जगह है जहाँ पे बारिश का रंग खून की तरह लाल होता है। ये बात सुन के आप चौंक गए होंगे, लेकिन मैं सही कह रहा हूँ। 2013 में केरला के आसमान से एक अनोखी बारिश हुई थी जो कि पूरी लाल रंग का था, लेकिन हैरान की बात तो ये है जब इस बारिश के पानी का शोध किया गया तो पता चला कि इस पानी के अंदर 6 इंसान के डीएनए को पाया गया है। आज भी विज्ञान के लिए ये एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। सफ़ेद इंद्रधनुष फॉगबो। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, ये तो सभी को पता ही होगा, लेकिन एक ऐसा इंद्रधनुष भी होता है जिसका रंग सफ़ेद है। इस इंद्रधनुष को फॉगबो के नाम से जाना जाता है जो कि कोहरे के कारण होता है। ब्लैक डायमंड एप्पल। हम सभी को पता है कि सेब हमेशा लाल रंग का होता है, जो कि मेरी बात में सभी लोग एग्री करेंगे, लेकिन अगर मैं कहूँ कि काला रंग का भी सेब होता है तो शायद आप लोगों को मेरे बात पे यकीन नहीं होगा, लेकिन ये बात सही है। इस सेब को ब्लैक डायमंड एप्पल कहा जाता है जो कि बेहद ही दुर्लभ है। ये सेब तिब्बत में पाया जाता है। इस सेब का अंदरूनी भाग बाकी फलों की तरह सफ़ेद रंग का होता है और ये खाने में भी बेहद ही स्वादिष्ट है। लाइटनिंग स्ट्रॉम वेनेजुएला। वेनेजुएला के वेस्ट साउथ केट्रा के किनारे मैरा के वो झील है। इस झील के ऊपर बिजली गिरती है। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में हर साल 250 वर्ग बिजली चमकने का रिकॉर्ड है। यहाँ बिजली गिरने के साथ साथ आसमान से बादलों का गरजने का आवाज़ भी सुनाई देता है। जनवरी और फरवरी के महीने में इस जगह पे बिजली गिरने की संख्या कम हो जाती है। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए रिसर्च में पता चला इस जगह पर मीथेन गैस की मात्रा ज़्यादा है, इस कारण यहाँ पर बिजली गिरती है।
इन अजीब गरीब जगहों के बारे में जानकर आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बताइए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।